वेलकम दोस्तों। तो फाइनली फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का जो अकाउंटेंट लोगों का जो मेन काम होता है कंपनी की टैक्स ऑडिट करवाना, वो ऑलमोस्ट 99% अकाउंटेंट लोगों ने 30 सितंबर 2024 से पहले पहले ही कंप्लीट कर लिया। हालांकि इसकी ड्यू डेट थी 30 सितंबर 2024, लेकिन इसको थोड़ा सा बढ़ा के 7 अक्टूबर तक इसकी ड्यू डेट कर दी है। लेकिन 30 सितंबर तक ऑलमोस्ट लगभग सभी अकाउंटेंट लोगों ने अपनी कंपनी की टैक्स ऑडिट भी फाइनल करवा ली थी और उसको अप्रूवल भी करवा लिया था। और उसके बाद में जैसे ही कंपनी की मतलब टैक्स की लायबिलिटी देखने के लिए उनका कॉम्पिटिशन भी तैयार हुआ, तो कॉम्पिटिशन के अंदर क्या होगा, भी टोटल बिजनेस का कितना आपका प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट के अंदर आपका कितना टैक्स की लायबिलिटी बन चुकी है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर कंपनी का कोई टीडीएस है, कोई टीसीएस कटा होगा, वो डिडक्ट हो जाएगा। एडवांस टैक्स कितना जमा करवाया है वो कम हो जाएगा। और उसके बाद हो सकता है कंपनी के ऊपर टैक्स डिपॉजिट करवाने की लायबिलिटी और भी बन जाएगी, तो आपने उसका भी टैक्स डिपॉजिट करवा दिया होगा या करवा दोगे, क्योंकि अभी आईटीआर फाइल करने का टाइम बचा हुआ है। तो हो सकता है आपका ये सब कुछ डिडक्ट होने के बावजूद आपका कुछ रिफंड भी बन सकते हैं। तो अब ये जो इस टाइप की जो एडजस्टमेंट की एंट्री है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की, उनको अब फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर किस प्रकार से एडजस्टमेंट करना है, तो इसी टॉपिक पे ऊपर आज की इस वीडियो के अंदर अपने प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट जरूर देखना ताकि आपको पता चले जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो हमारा काम बच गया, अब उसको हमें इस साल में 24-25 के अंदर किस तरीके से कंप्लीट करना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है स्मार्ट कंप्यूटर सलाइशन करके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को भी आप जरूर हिट कर लेना, क्योंकि आगे भी आप लोगों को इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेन टॉपिक पर। तो आपके पास अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं टेली सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा हूँ, आपका बैलेंस शीट फाइनल हो गया, सीए ने उसके ऊपर अपना सील एंड सिग्नेचर भी फाइनल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वो बात थी 2023-24 की। अब अपने बात करेंगे 23-24 वाले काम को 24-25 के अंदर किस तरीके से उसका निपटारा करना है, किस तरीके की जो एडजस्टमेंट एंट्री है उसको, क्योंकि अभी 23-24 का काम 23-24 में तो कंप्लीट होगा नहीं, वो 24-25 के अंदर उसकी एंट्री करनी है। अब जैसे कि मेरे पास कंपनी का मैंने कॉम्पिटिशन तैयार कर लिया और इसके अंदर मैंने टोटल मेरे बिजनेस का जितना प्रॉफिट था वो यहाँ पर मैंने डाल दिया, ठीक है। अब आपको उसका अपन थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि मेरी कंपनी का टोटल जो आ गया इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है ना, वो आ गया ये वाला। अपन थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, ये टोटल मेरा बिजनेस का प्रॉफिट आ चुका। अब इसके अंदर टोटल जो डेप्रिसिएशन है लेस एड होने के बावजूद के अंदर टोटल जो हमारी ग्रोस टोटल इनकम है वो यहाँ आ चुकी है। अब इस ग्रोस टोटल के अंदर जितनी भी हमारी डिडक्शन थी, ठीक है, और डिडक्शन वगैरह होने के बाद, क्योंकि ये न्यू स्कीम के अंदर है तो डिडक्शन कुछ नहीं है, तो यहाँ पर टोटल मेरी जो इनकम है वो ये बन चुकी है, क्योंकि आप देख सकते हो टोटल इनकम। अब उसके बाद में यह हमारी बनती है टैक्स की लायबिलिटी, भी आपका टैक्स कितना कितना बना। तो आप यहाँ देखोगे भी टैक्स जो है मेरा बन रहा है वो 4,63,956 रुपये का है, और ये मेरा एग्जेंशन लिमिट जो 3 लाख है उसको कम करने के बाद में है। और उसके बाद में 4% मेरा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो लग रहा है वो लग गया। टोटल टैक्स की लाइबिलिटी बन गई मेरी 4,82,514 रुपये की। अब इसके अंदर 43,528 रुपये का मेरा फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर टीडीएस और टीसीएस दोनों मिला के, एक तरीके से मैंने ये कह दिया मैंने एडवांस टैक्स पहले ही पे कर दिया था, तो ये सब कुछ लेस होने के बाद में 4,38,986 रुपये की ये टैक्स की लायबिलिटी बन गई। उसके बाद में एडवांस टैक्स भी मैंने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर जमा करवा दिया था 3 लाख रुपये का, तो अब ये 4,38 में से 3 लाख रुपये माइनस होने के बाद में मेरी टैक्स की लायबिलिटी बन गई 1,38,986 रुपये की। और यहाँ इसके बाद में इंटरेस्ट भी लगा 27,498 रुपये का, तो टोटल मेरा 1,66,484 रुपये की इनकम टैक्स और डिपॉजिट करवाने की लायबिलिटी यहाँ पर आ चुकी है। तो अब यहाँ पर अगर अपने राउंड ऑफ की बात करें तो 1,66,480 रुपये मेरे को अभी भी टैक्स मेरा पेबल आ रहा है, यानी कि ये चलान मेरे को अभी
और फाइल करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपके पास हो सकता है टैक्स की लायबिलिटी पेबल में आने के बाद, हो सकता है आपका कुछ सब कुछ डिडक्शन की एंट्री करने के बाद रिफंड भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो रिफंड है तो उसकी एंट्री कैसे करनी है, अगर आपका टैक्स पेबल है तो उसका आपको क्या कुछ ट्रीटमेंट करना होगा 24-25 के अंदर, ठीक है ना। और यहाँ जो हमारी डिटेल आती है, जो हमारा TDS से यहाँ पर जो डिडक्ट हुआ हुआ है उसकी अगर अपने बात करें, जैसे यहाँ अगर अपने देखते हैं इसकी, जो मेरा TDS था 43,528 रुपये का, तो आपको इसकी डिटेल भी कॉम्पिटिशन के अंदर नीचे तैयार हो जाती है टोटल इसकी। थोड़ा सा अगर अपने स्क्रोल डाउन करते हैं तो यहाँ हमारे पास ये 43,528 रुपये का डिटेल है, ठीक है। हालांकि ये मैंने जो इसकी नेम ऑफ डिडक्टर है और उसका जो 10 नंबर है वो मैंने सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ से हाइड किया हुआ है, तो यहाँ हमें पता चल सकता है भी यहाँ पर टोटल टैक्स की डिडक्शन की अमाउंट कितनी है और कौन कौन से हेड के अंदर ये हमारा TDS है जो कटा था। तो यहाँ भी आप देखोगे भी 94C के अंदर हमारा कुछ ये अमाउंट कटी हुई है, 194R सेक्शन के अंदर ये हमारी डिडक्ट हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 94H यानी कि कमीशन का हमें ये अमाउंट मिला हुआ है, 94 के ऊपर चेंज के ऊपर हमारा TDS कट चुका है, और यहाँ 194A यानी कि इंटरेस्ट भी हमें मिला था उसके ऊपर भी लोगों ने TDS काट लिया। तो ये 43,528 रुपये की टोटल हमारी टैक्स की डिटेल आ चुकी है। अब ये तो डिटेल आ गई आपकी, तो अब हमें इसकी काम किस तरीके से करना है। तो अब ये आपका जितना भी टैक्स कटा हुआ है तो उसको आपने क्या किया, बैलेंस शीट के अंदर इसको एसेट साइड के अंदर दिखाया होगा, या आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर ही आपको इसने इन सभी डिडक्शन को आपने कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो अब आपको करना पड़ेगा। अब वो कैसे करना पड़ेगा, अब जैसे मेरे पास यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है 23-24 की, ठीक है। तो मैं आपको कुछ एक प्रैक्टिकल एंट्री करके बता रहा हूँ। मान लीजिए मैंने वाउचर पे गया और मेरे को मान लीजिए कुछ कमीशन रिसीव हुआ और उस कमीशन के ऊपर मेरा TDS डिडक्ट हो गया, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास, मैं इसी को ले लेता हूँ, ABC कंप्यूटर है, और यहाँ इससे मेरे से मान लीजिए 50,000 रुपये का इंटरेस्ट मेरे को रिसीव हुआ, तो मैं क्या करूँगा, ABC कंप्यूटर्स के अकाउंट को डेबिट करूँगा और यहाँ पर इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करूँगा। मैं 23-24 की जो आपने एंट्री करी उसके बाद बता रहा हूँ TDS की एंट्री किस प्रकार से होगी, ठीक है। तो ये एंट्री आपने करी होगी, उसके बाद में आपका एडवांस टैक्स भी कट गया होगा, ठीक है। तो अब आपने TDS ऑन इंटरेस्ट आपका बन चुका है। तो यहाँ आप एक अलग लेजर भी बना सकते हो अपना, भी एडवांस टैक्स के नाम से भी आप बना सकते हो एडवांस टैक्स ऑन TDS। तो मैं यहाँ पर आपको एक लेजर क्रिएट करके दिखा देता हूँ, एडवांस TDS ऑन इंटरेस्ट, क्योंकि अलग अलग सेक्शन के अंदर कटा तो हमें पता रहता है। तो ये इसको मैं डाल देता हूँ करंट एसेट में, अगर आपने करंट में एसेट में डाल रखा है तो, ठीक है। अब मान लीजिए 50,000 रुपये की अमाउंट थी, तो 50,000 रुपये के ऊपर हमारा 10% के हिसाब से मेरा TDS भी डिडक्ट होगा × 10%, ठीक है। 5,000 रुपये का हमारा TDS कट गया, तो अपने क्या करेंगे, 5,000 रुपये TDS अकाउंट पर डेबिट करेंगे और यहाँ पर जिस कंपनी से हमें टैक्स रिसीव है उस अकाउंट को अपने क्रेडिट करेंगे। और मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया, तो एक्सेप्ट करूँगा, वापस बैलेंस शीट पर जाके देखते हैं। तो ये जो 5,000 रुपये जो हमारा टैक्स कटा था वो इस 5,000 रुपये ये हमारा एडवांस TDS और ये बैलेंस शीट के अंदर आपका शो करेगा एसेट साइड के अंदर, ठीक है। अब ये हमारा 5,000 रुपये कट गया, अब इसकी एंट्री हमारी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर। तो मैं यहाँ पर इसका सॉफ्टवेयर का टाइम पीरियड चेंज कर देता हूँ, 1 अप्रैल 24 से लेके और 31 मार्च 25 तक, ठीक है ना। अब जो एडवांस टैक्स आपने बैंक के थ्रू जमा कराया तो उसके तो एंट्री आपने 23-24 में भी कर दी, तो अब अपने क्या करेंगे, जो हमारा टैक्स कटा था 5,000 रुपये का, तो इसको अंदर अपने क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। यहाँ भाई अब आपकी ये आउटस्टैंडिंग आ रही है, ठीक है। अब मान लीजिए आपका टैक्स तो आपको डिपॉजिट करवाना ही है, तो आपको यहाँ पर कैपिटल अकाउंट के अंदर ये ट्रांसफर करेंगे। तो इसकी एंट्री अपने क्या करेंगे, मान लीजिए आपने 30 सितंबर के अंदर आपने रिटर्न भी फाइल कर दी, ऑडिट भी करवा दी, तो आपको 30 सितंबर 2024 के अंदर इसकी एंट्री कर लेनी है। तो अब अपने क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा कैपिटल अकाउंट है उसको करेंगे डेबिट, कितने से, 5,000 रुपये से। और यहाँ हमारा जो एडवांस टैक्स ऑन इंटरेस्ट का जो लेजर हमने क्रिएट किया था उसके अकाउंट को अपने कर देंगे क्रेडिट। अब इससे क्या होगा, जो आपका क्योंकि ये कैपिटल का पार्ट है तो बैलेंस शीट के अंदर उसका लेजर अब बराबर हो चुका है एडवांस टैक्स ऑन इंटरेस्ट वाला खाता। ओपनिंग आपका डेबिट आ रहा था, आपने इसको कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया।
अब मान लीजिए आपको टैक्स डिपॉजिट करवाने की लाइबिलिटी और बनती है आपकी, ठीक है, और उसका मान लीजिए आपने 2000 रुपये का चलान और जमा करवा दिया, ठीक है, चलान आप कितना का करा सकते हो वो तो आपको कॉम्पिटिशन देखने के बाद पता चलेगा। तो अपने इसकी एंट्री अब क्या करने वाले हैं, आप पेमेंट में एंट्री अपने करेंगे इसकी, ठीक है, जिस तारीख के अंदर आप चलान जमा करा रहे हो उसी तारीख के अंदर अपनी एंट्री करेंगे। तो अब एंट्री अपने क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। मान लीजिए ये 2000 रुपये की मेरी टैक्स की लाइबिलिटी बनी है, जैसा कि आप यहाँ कंपटीशन के अंदर अपने देखते हैं तो यहाँ से आपको और ज़्यादा आइडिया हो जाएगा। जैसे यहाँ आप देखोगे ये जो टैक्स की लाइबिलिटी है, टैक्स पेबल आ रहा है, यानी कि ये टैक्स मेरे को और जमा करवाना है सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद में, और यहाँ पर अपने उस बैंक के अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट करेंगे जिस बैंक से हमने पैसा जो डिपॉजिट करवा लिया। मान लीजिए मैंने बैंक ऑफ इंडिया से चलान मेरा फाइल कर दिया तो मैं बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट करूँगा, और नरेशन के अंदर यहाँ अपने लिख देंगे ये हमारा सेल्फ असेसमेंट टैक्स हम डिपॉजिट करवा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का, ताकि हमें पता चले भी ये टैक्स किस तरीके का, ठीक है। तो अगर आपने टैक्स डिपॉजिट करवा दिए तो आपको ये एंट्री करनी है कैपिटल अकाउंट के अंदर, और अगर आपका पुराना अगर कोई टैक्स अगर आपकी बैलेंस शीट के अंदर खड़ा है तो उसको भी आपको जर्नल एंट्री करके अपने कैपिटल अकाउंट के अंदर उसको भी ट्रांसफ़र करना है। लेकिन अब ये था अगर आपकी कोई टैक्स लाइबिलिटी बनती है तो, लेकिन अगर आपका टैक्स डिपॉजिट मतलब आपने TDS वगैरह एडवांस टैक्स जमा करवाने के बाद में अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो आपको कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका जितना TDS कटा था वो सारा का सारा आपको कैपिटल अकाउंट के अंदर ही ट्रांसफ़र कर देना है। जैसे ही आपका इस फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर भी मान लीजिए आपका कोई रिफंड आएगा, जितना रिफंड बनता है वो विद इंटरेस्ट आपको रिफंड भी मिलेगा, तो उस कंडीशन के अंदर अपने क्या करेंगे भी आपका पैसा कहाँ आएगा, बैंक में आएगा। जिस भी तारीख के अंदर बैंक आएगा, मान लीजिए इसी साल के अंदर आ गया तो आपको इसी साल में एंट्री कर लेनी है, फिर उस कंडीशन के अंदर अपनी एंट्री क्या करेंगे, वापस कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे। मान लीजिए आपका 1500 रुपये का रिफंड बनता है और आपके उसके ऊपर 200 रुपये का इंटरेस्ट भी आपको मिल चुके हैं, तो आप क्या करोगे भी टोटल जितना है आप जैसे मान लीजिए 1500 रुपये तो आपकी मेन अमाउंट है, 200 रुपये आपका इंटरेस्ट है, तो अपने क्या करेंगे भी कैपिटल अकाउंट के अंदर 1500 रुपये आपने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, वापस क्रेडिट करेंगे। तो या आप एक चाहो तो लेजर बना दो ताकि आपको पता चले भी इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम IT भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमें इंटरेस्ट रिसीव है ऑन रिफंड, ठीक है। तो ये आपका ग्रुप रहेगा कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है, 200 रुपये आपको इसको भी क्रेडिट करना है, और अब यहाँ आपका मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आपका इसका पैसा आ चुका है तो आपको 1700 रुपये बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट को अपनी को डेबिट करेगा। तो अब इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा भी अपने कैपिटल अकाउंट में देखें तो ये कैपिटल अकाउंट के अंदर आपका इफेक्ट पड़ेगा यहाँ पर, ये वाला ये आपका 1500 रुपये का ये रिसिप्ट वाली एंट्री आपको मैं उस कंडीशन में बता रहा हूँ अगर आपका कोई रिफंड बनता है और वो रिफंड आपका आगे जनवरी फरवरी मार्च में या दिसंबर में जिस भी महीने के अंदर आएगा तो उस महीने आप एंट्री करोगे। हो सकता है आपका इससे भी नेक्स्ट ईयर के अंदर अगर आपका कोई रिफंड आए तो आपको उस डेट के अंदर इस टाइप की एंट्रियाँ करनी होगी। आई होप कि आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर जो हमारी एडजस्टमेंट एंट्री से रिलेटेड जितनी भी वर्किंग थी वो हमें 24-25 के अंदर किस प्रकार से एडजस्टमेंट करनी है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी प्लीज़ आप जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे भी आप लोगों को इस चैनल पर इसी टाइप की वीडियो देते रहेंगे।